पाकिस्तान ने रोने और भीख मांगने की हद पार कर दी है। अब रोते रोते वो नाटो जा पहुंचा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो जा पहुंचे हैं। वहां वे नाटो के महासचिव जेंस स्टॉल्टेनबर्ग से मिले। कुरैशी ने नाटो महासचिव के साथ भारत पाक के बीच जारी तनातनी के बारे में बातचीत की। जापान में होने वाली G20 की बैठक से पहले नाटो महासचिव से कुरैशी की मुलाकात इशारा करती है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को सुधारने की कड़ी मशक्कत कर रहा है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद दुनिया में अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान को पक्का यकीन है कि G20 के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को जरूर घेरेगा। ऐसे में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को सुधारने में जुटा है। नाटो महासचिव से कुरैशी की मुलाकात पाकिस्तान के इसी खेल की एक नई चाल मानी जा रही है। कुरैशी ने भारत पर झूठा आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान के प्रति भारत का रवैया नकारात्मक और विरोधी रहा है। पाक विदेश मंत्री ने कहा कि दक्षिण एशिया में इस्लामाबाद की शांति पहल के प्रति भारत ने नकारात्मक रवैया ही अपनाया है। G20 समिट से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भारत दौरे पर हैं। इस बैठक में अमेरिका और चीन समेत तमाम विकसित मुल्क शिरकत करेंगे। ऐसे में साफ देखा जा सकता है कि पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को सुधारने का मानसिक दबाव बना हुआ है।